क्या लतीफ रिवायत है। उस शख्स का नाम बाज़ रिवायतों में वाबिसा है। जैसे ही वो हजरत की खिदमत में आया और कुछ सवाल करने के लिए आया था हुजूर की खिदमत में, लोग कहते हैं कि हुजूर हम जैसे थे। देखिए वो आया और आके बैठा, हुजूर ने फौरन कहा कि ए वाबिसा, मैं बताऊं कि क्या पूछने आए हो या तुम बयान करोगे कि क्या पूछने। अल्लाह अकबर, मैं बताऊं क्या पूछने के लिए है, सवाल क्या करना है तुम्हें, मैं बताऊं। आम इंसान, आम बशर, आम आदमी इस तरह गुफ्तगू करता है। वाबिसा बद्दू अरब है, दूर से आया है, मदीने में रहने वाला नहीं है, ऐसा रोजाना के अस्हाब में शामिल नहीं है। उसने फौरन कहा आपा बताएं मैं क्या पूछने आया हूँ, क्या मैं तुम्हें सवाल भी बताता हूँ जवाब भी बताता हूँ। तुम ये पूछने आए हो कि नेकी और बदी का मेयार क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, नेकी क्या है, बैर बैर किसे कहते हैं, नेकी क्या है। कहा या रसूलल्लाह मेरे बाप बाप आप पर फिदा हो जाए, मैं यही पूछने के लिए। आपने फरमाया या वाबिसा इस्तफ्ते कल्बक, ऐ वाबिसा अपने दिल से फतवा लो, तुम्हारा दिल खुद गवाही देगा कि नेकी क्या है, बदी क्या है। इसका इरशाद है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम में से हर एक अपना जायज़ा खुद ले कि हम नेकी की मारिफत रखते हैं या नहीं, बदी की पहचान रखते हैं या नहीं, हम खुद अजीम हैं या जलील, अजीज हैं या रजील, और उसके बाद फिर अपने को एलिवेट करने की कोशिश करें, ऊपर उठाने की कोशिश करें, कम से कम ऐसे हो जाएं कि हमारे मुंह से अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह ज़ेब दे अच्छा लगे, तो हम कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह तो अच्छा लगे।